सो गाइज, मैं आज आप लोगों को एक बहुत बढ़िया जगह दिखाना चाहता हूँ, गुवाहाटी का एक हिडन प्लेस। 100% श्योर कि आज तक कोई भी यूट्यूबर्स ने ये जो जगह है एक्सप्लोर नहीं किए हैं। आप सभी को जरूर पसंद आएगा क्योंकि वो एक यूनिक जगह है और वहां से आपका जो सनसेट है वो बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो करने के लिए, वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए ज्यादा देर करते हुए उस डेस्टिनेशन तक। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, हाय, मायसेल्फ डी जिंकीनाथ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। वेलकम टू लोकल लाइट लूम। गुवाहाटी का लाइट लूम में आप सभी को स्वागत करते हैं और ये है रोड जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का लाइट लूम कैसी है। तो चलिए इसी रोड से आगे बढ़ते हुए हम लोगों के डेस्टिनेशन तक चलते हैं, गुवाहाटी लाइट लूम। तो गाइस, फाइनली मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हूं, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और आप लोग मेरे बैक साइड में देख सकते हैं अभी सनसेट होने वाले हैं और आप लोग देखिए वो धीमा धीमा करके आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके जरूर दिखाऊंगा, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। लेट्स हैव अ लुक। ट्राइपॉड लेके आने से मैं बहुत बढ़िया सा टाइम लैप्स वीडियो बनाता, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। ये गीतानगर फील्ड से थोड़ा सा पहले आप लोगों को राइट हैंड साइड में एक आश्रम है, वही आश्रम का साइड से एक बाइलेन आता है और वहाँ पे एक स्कूल भी है, उसी बाइलेन पे आपको आना पड़ेगा। एकदम लास्ट तक जाइए, स्कूटी वहाँ पे पार्क आप लोगों को दिखाया हूँ जो कहाँ पे पार्क करना पड़ रहा है। वहाँ से गाड़ी तो नहीं आएगी, स्कूटी या फिर बाइक आप लोग लेके आ सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो, मगर गाड़ी चार चक्का चांसेस नहीं है। मैं जो जगह में हूँ अभी टॉप ऑफ द हिल है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, मैक्सिमम तो बाइक या फिर गाड़ी लेके अगर आएंगे तो आ ही सकते हैं आधा तक।
थोड़ा सा आपको चढ़ना होगा, उसके बाद ये डेस्टिनेशन तक आप लोग आ सकते हैं। सो यहाँ पे काफी सारे पिकनिक शायद होते रहता है, यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स भी है। यहाँ से नीचे आप लोग को मैं दिखाऊंगा, उस पार भी दिखाऊंगा, इस पार तो आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ, और उस पार में आपका बामनी मैदान अनुराधा चांदमारी तरफ जा सकते हैं। चलिए आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। बामनी मैदान साइड में था वो चांदमारी था, मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग वॉक करके भी जा सकते हैं। मुझे आके तो काफ़ी अच्छा लगा, इससे पहले भी मैं एक बार आया था, मगर वहाँ समय मैं कुछ काम की वजह से आया था और ये वीडियो करने का तब मौका नहीं मिला था। आप लोगों को दिखाने का मौका अभी मिला है, इसीलिए मैं दौड़ के चला आया। दैट्स इट। से अगर ड्रोन शॉट अगर लेते हैं ना, बहुत ही बढ़िया दिखता, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखता, क्योंकि ये सूखा घास आप लोगों को एक जगह याद दिलाएगी, और वो जगह है मेघालय का लाइट लूम। वही जगह का आपको व्यू थोड़ा सा मिलेगा, इतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पे गुवाहाटी का लाइट लूम यही है। और इसीलिए आज का वीडियो का मैं टाइटल भी वही दूंगा, लाइट लूम इन गुवाहाटी। अपने के पास ड्रोन तो नहीं है, मगर ड्रोन जैसी शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा ऊपर चढ़ गया और ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, छोटा सा ड्रोन मोबाइल का ड्रोन। चलिए देख लीजिए। ऊपर से शॉट दिखा दिया हूँ, यहाँ पे भी सेम हालत है, कचरा, गंदगी, दारू पी के बोतल, प्लास्टिक का पैकेट, सब कुछ यहाँ पे फेंक के गंदा कर चुका है आदमी लोग। ये सब नहीं करना चाहिए। और ये शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा या फिर सरकारी भी हो सकता है, मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप लोग को कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोल दीजिए। मैं जिस जंगल में हूँ वो काफ़ी सारा गड्ढा किया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। पता नहीं ये क्या चीज़ का गड्ढा है, वो लग रहा है कि ये कुआं जैसा होगा। अंदर में अगर मेरा मोबाइल गिर जाएगा तो गया और काम से। ও এটা মানুহ আছিল তাৰমানে মানে সত্ৰ এভেকশ্যন কৰাইছে নেকি? मैं यहाँ का जो लोकल रेसिडेंसी है उनको पूछा कि ये जमीन किसकी है, वो बोला है कि ये जो मैं अभी हूँ वो आश्रम का माटी है, जमीन है। यहाँ पे काफी साल पहले यहाँ पे एवेक्शन भी करके यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, तो उनको उठा के बाहर कर दिया। और जो मैं आपको गुवाहाटीज लाइट लूम का जगह आपको दिखाया वो शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके थ्रू हमको मालूम चला। और मैं अभी जहाँ पे हूँ यही आश्रम है, बहुत बड़ा एरिया है। इसका ठीक साइड में आपका फैकल्टी स्कूल है और उनका भी कैंपस बहुत बड़ा है वो अपना, तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आके आप लोग गंदा वंदा मत करिए, अच्छी तरह से देखिए, जगह देख के चले जाइए। जो मैं दिखाया हूँ वही सब कुछ आपको मिलेगा, बस दैट्स इट। यहाँ पे दुकान वकान नहीं है, कुछ अगर चिप्स विप्स खरीदेंगे तो नीचे से आपको लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे काइंडली आप लोग प्लास्टिक वगैरह या गंदा करके मत जाइए, सब अपने साथ या फिर कैरी बैग लेके आइए, वहाँ पे डाल के जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे ही फेंकिए। थैंक यू। एक्चुअली शाम ढलने लगा है तो यहाँ से निकलते हैं, वीडियो भी एडिट करना है और बैक टू बैक मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं, अच्छी तो लगना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग देख सकते हैं वो सनसेट।
तो गाइज ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, क्या लोकेशन है आपके जहन पे, आपके जान पहचान में, तो मैं वहाँ पे जाके ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगा अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बोलिए, अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, टिल देन जय हिंद वंदे मातरम एंजॉय आई होम बाय।